देख रहे हैं जरार मूवी और ये इसका है आई थिंक सो लास्ट पार्ट होगा काफी ज्यादा जो है ना इंटरेस्ट है कि मतलब क्या होगा फाइट होगी इनके बिटवीन राजा और विक्रम के बीच और जो प्रिया है वो बेचारी तो इसके हाथ में चढ़ती है चढ़ेगी तो वो इसको मार डालेगा वो क्योंकि उसकी बाप को भी तो बाद में देख ही गया है ना उसे मार डालेगा वो पहुंच भी गया तो जल्द से फिर इस जो है ना मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं माय नेम इज साहब खान माय नेम इज आलिया खान अरे क्या हो गया वो ड्राइवर बीवी से शादी करने का ख्वाब देखता है और पूछता है मेरी दुश्मनी क्या है मैं विक्रम हूं प्रिया का पति अरे वो देखो कोई लटक रहा है चलो चल के बचाते हैं यार उसको अरे जल्दी चलो यार जल्दी चलो आजा आजा कम ऑन वेरी गुड अबे तेरी किस्मत अच्छी थी तू बच गया साले आजा डरना नहीं मैं वो अबे तुझे देख लूंगा साले ऊपर आ कम ऑन आजा ऊपर आ यस यस अरे उसने बचा लिया उसको यार वो लाल कोट वाला मारा यार उसको चल चल इंस्पेक्टर साहब यहाँ पागल हो गया ये मुझे मार डालेगा इंस्पेक्टर साहब ये खूनी है इसने मेरी जान लेने की कोशिश की साहब मेरी हालत देखिए ये मुझे मार रहा था ड्रामा कर रही है झूठ बोल रही है अरे काहे के ड्रामे कर रहा है मैंने दूर से देखा तुम इसे मार रहे थे इंस्पेक्टर साहब आपने कुछ नहीं देखा अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि पुलिस को कुछ नहीं दिखता पुलिस अंधी है पुलिस के पास आंखें नहीं है इंस्पेक्टर साहब इसने मेरी गाड़ी खाई में गिर दी ये झूठ इंस्पेक्टर साहब ये ओवरटेक कर रहा था इसकी गाड़ी खट में गई मैंने इसे बचा इंस्पेक्टर साहब यही मुझे मार रहा था क्या ड्रामे कर रहा है आदमी मैंने तो गाड़ी किया बहुत ऊंचे प्रकार के मुजरिम लगते हो खतरनाक है बीच में आके सारी गड़बड़ कर दी भलाई का जमाना ही नहीं रहा यार चल निकल जाता है निकल चल चल
आशा कमाल है, कब से फोन लगा रही थी कोई उठा ही नहीं रहा था, कहाँ गई थी? मैं राज के साथ एक फंक्शन में गई थी। क्यों, क्या बात है? माँ जी से मिलने गोवा से एक इंस्पेक्टर आया था, वो कह रहा था विक्रम को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। माँ जी बहुत परेशान थी, जैसे ही उन्होंने बताया मैंने तुम्हें खबर करने की कई बार यहाँ फोन। प्रिया क्या हुआ? वो आएगा, वो जरूर आएगा। अब मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कब से कह रहा हूं आप मेरी बात मानिए, वो आदमी खतरनाक है, खूनी है। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं मैं पागल हूं? गलती मेरी है जो मैंने एक खूनी को छोड़ दिया और एक शरीफजादे को अंदर कर दिया, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम उसे मार डालना चाहते थे। वो सब मुझे फंसाने की उस कमीने की चाल थी, वो प्रिया को मार डालना चाहता है इंस्पेक्टर साहब, वो कभी भी वहां पहुंच सकता है। तुम डरो मत, वो इंस्पेक्टर पुलिस को लेकर तुम्हारी मदद के लिए आता ही होगा, उसे माजी सिया का पता भी लिया था। आशा तुम यहाँ मेरे पास रुक जाओ ना प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? जमानत की कार्रवाई हो चुकी है, क्या हम जा सकते हैं? जाने कैसे तुम शक्ल से वकील कम और क्रिमिनल ज्यादा लगते हो। क्या बकवास कर रहे हो, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ और मिस्टर राज यहाँ के इज्जतदार शहरी है। एक इज्जतदार शहरी के साथ एक विग वाला हाई कोर्ट का वकील? वकालत करते करते आपके बाल झड़ गए होंगे, लेकिन ये पुलिस की नौकरी करते करते हमारी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये बहुत अर्जेंट है। ऑपरेटर, कब से ट्राई करो, फोन एंगेज क्यों आ रहा है? सर फोन की लाइन ठीक है लेकिन रिसीवर नीचे रखा हुआ है। रिसीवर नीचे रखा हुआ? का दीवाना, तेरी बातों का दीवाना, जाने मन जाने जा मैं दीवाना। प्रिया, माय लव, माय डार्लिंग,
कितना तन्हा, कितना अकेला हो गया था मैं तुम्हारे जाने के बाद। आओ नाश्ता करते हैं। महीनों गुजर गए तुम्हारे साथ बैठ के खाए हुए। मैं तो समझा था तुम डूब गई, मुझे नहीं मिलोगी। लेकिन तुमने कहा था तुम्हें तैरना नहीं आता। अच्छा हुआ तुम्हें तैरना आता था, बच गई। पूना से भागकर शिमला आ गई, अपनी माँ का इलाज करा रही हो, शादी करने जा रही हो। शादी? तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? पता है मैंने उस डॉक्टर को क्यों मार डाला था? क्योंकि वो तेरे जले हुए जख्म से ज्यादा तेरे इस खूबसूरत चेहरे को देखता था। और वो राज मल्होत्रा, उसकी ये हिम्मत कि वो तेरे से शादी करने का ख्वाब देखे और तू मेरे होते हुए ऐसा करेगी? हाँ ऐसा करेगी? बोल। तू सिर्फ मेरे लिए बनी है, सुहागन भी मेरी और विधवा भी मेरी। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? तू समझ रही है ना? बोल। तो फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बोल, क्यों छोड़ के आ गई मुझे? बोल, क्यों क्यों किया? बोल बोल बोल। तू मेरी नहीं हुई तो तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। देख, मैंने तेरे चेहरे को इस कदर बदसूरत कर दिया कि अब तेरी तरफ कोई थूकेगा भी नहीं। क्या बदसूरत करोगे? औरत का सिंगार उसकी सूरत नहीं, उसका पति होता है। मैं तो उसी दिन बदसूरत हो गई थी जिस दिन तुम जैसे औरत पर हाथ उठाने वाले कायर के साथ मेरी शादी हुई। मैं तुम्हारे अत्याचार सह सह कर चुप रही, किसी से नहीं कहा, किसी के आगे नहीं रोई कि तुम्हारी बदनामी होगी। मगर तुम सितम पर सितम करते रहे, जरा भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। मेरे जिस्म से खेलना और मेरे जिस्म को ही जख्म देना, यही तुम्हारा प्यार था। कितना सहती, कितना बर्दाश्त करती। आखिर मुझे भी चोट लगती है, दर्द होता है, आंसू निकलते हैं। तुमने मुझे बीवी नहीं, घर के किसी खूबसूरत सामान की तरह रखा, जब जरूरत पड़ी इस्तेमाल किया, उठाकर रख दिया। यही नहीं, तुमने मेरे चरित्र पर भी शक किया। मैं किसी से मिलती, तुम समझते मैं उसके साथ सोकर आ रही हूँ? इतनी गिरी हुई हूँ मैं। अरे मर्द बनकर जुल्म करने वाले, कभी औरत की तरह सहकर दिखा, औरत की तरह सब्र करके दिखा। मैं तुम्हारे साथ 6 महीने 25 दिन 11 घंटे 20 मिनट रही, मगर सुकून का एक पल नहीं देखा। और तुम अपने आप को मेरा पति कहते हो? पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास का बंधन होता है। अगर तुम इस जन्म में मेरे पति बनकर दिखा देते, मैं 100 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी बनती।
पत्नी के लिए पति भगवान जैसा होता है भगवान नहीं। अरे भगवान से डर, उसके कहर से डर, उसके इंसाफ से डर। औरत की आह में बहुत असर होता है। तू मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मर्द को मर्द का खिताब औरत देती है। औरत पर जुल्म करने वाला, उसे दबा कर रखने वाला मर्द नहीं, ना मर्द होता है। और कोई भी औरत किसी ना मर्द के दामन से नहीं लिपटती, नहीं लिपटती। चेहरे को इस कदर बदसूरत कर दिया कि अब तेरी तरफ कोई थूकेगा भी नहीं। तू जिंदा है प्रिया? तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मुझे तुम्हें कोई कमी नजर ही नहीं आती। चलो विक्रम, देर
आज मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता हूं। तो फ्रेंड क्या एंडिंग थी यार, इतनी ज़्यादा हॉरर कर गए, मतलब सीन को के देख के हम उधर ही सीन पे स्टक हो जाते कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब ये तो नहीं हो सकता। इस तरह से जो लड़ाई हुई, फाइटिंग हुई, भाई बड़ी खतरनाक। वो हमने एक बाजीगर मूवी देखी थी ना, उसमें वही चीज मैं कहने जा रहा था। और इधर भी मतलब ऐसे जिस तरह से लड़की के फेस पे सारा मारा और शीशे और ये सारी बहुत ही एकदम से, और वो जो लड़की को मार के ऊपर लटका दिया वो कैसे छुड़ाया जैसा सीन था, मैं तो एकदम मेरे हवास का था भाई, सात बार कैदर से बाद पकड़ बैठी थी क्या हो रहा है, मतलब इतना कोई मैंने भी एंडिंग पे जाके स्टार्टिंग जिस तरह से रखी थोड़ी सी ड्रामी थी या सच की क्या स्टोरी होगी, एंडिंग उससे ज्यादा हॉरर रख दी, बंदे का नजरा जाए जमीर की क्या हो रहा है। ऐसा ही है यार, मेरे तो होश उड़ गए कि मतलब एक बंदा ऐसा हो सकता है, वैसे आपस की बात है कि इंसान हो के मतलब इतनी ज्यादा जालिम, इतनी ज्यादा दरिंदगी, इतनी ज्यादा हैवानियत, और जितने भी वर्ड्स और हो ऐड किसी को आते हो वो भी मिला ले, तो मतलब इतना बुरा कैरेक्टर वो इस आदमी ने उस औरत का जो हाल कर दिया, और औरत ने भी एट द एंड अपने लिए स्टैंड लिया, बोली, जब वो बोली तो वो चुप हो गया है ना, तो जब बोलोगे तो चुप होगा अगला, फिर भी मारने के लिए आया था नहीं, लेकिन उसने उसे उकसाया ना, उसे जवाब तो दिया ना एकदम से, स्टंट हो गया तो ये क्या हो गया। नहीं नहीं वो मारने के लिए आया था, वो तो उसको समझ आ गई बेचारी, तब वो कह रही थी मतलब अब मुझे मार दो, रुकी हुई थी अचानक से, फिर राज आया उसने आके बचाया। यार मतलब बहुत ही ज्यादा हॉरर वाली फाइट थी। हमने एक मूवी देखी थी, हमने बाजीगर मूवी के अंदर ऐसा देखा था, ये उससे भी बढ़ के था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे लगता है कि ये जो राइटर है ये सेम होंगे, क्योंकि इस तरह की जो राइटिंग है वो आज इंसान नहीं कर पाता, और इस तरह के जो सीन्स हैं फाइटिंग सीन, मतलब बिल्कुल हॉरर वाली फीलिंग आ रही है, और मतलब देख के इंसान शॉक रह जाए, और इस तरह के मतलब सीन थे लड़ाई में, खून खराबा सारा, वो इन पे जो फेस कटा हुआ था यार, मतलब शीशे एक दूसरे को मार रहे थे, मतलब शीशों में जाके मारा उसने, और एंड पे जो वो ट्रेन में पांव फंस गया, पांव सारा ऐसे लड़खड़ा गया, वो वाला वो तो कटा हुआ दिख रहा था, अजीब लग रहा था इतना। और फिर जब वो इंटेक हुई ना, इंटेक हुई ट्रेन के नीचे ऐसे लड़खड़ा हुआ चला गया, तो एंड पे उसको एहसास हुआ था, ऐसे ही होना चाहिए, उसको एहसास हो गया था अपना कि मैंने जितना गुनाह किया है तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं मर जाऊं खुद ही। तो यार एंडिंग बड़ी मतलब, ये देखिए राइटर को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, जो उसने एंडिंग की वो भी काफी कमाल की थी। ऐसा मतलब देखिए, अब अगर मिसाल के तौर पर वो बच जाता हो तो फिर हमारे सहन में सोच आती कि वो बदल गया या क्या हो गया, अब तो वो चीजें मतलब चेंज, तो मतलब सोचे और भी आने लग जाती, तो मतलब उसने कितना कितना खून किए हुए थे, लेकिन एंडिंग जो थी ना वो उसी पॉइंट पे थी, और एंड हुई ना जो अभी कुछ नहीं बचा के हाँ भाई सही हुआ है इसके साथ, इसको मर ही जाना चाहिए, तो इस तरह से ट्रेन के आगे खुद ही खड़ा हो गया। अच्छा वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे बाजीगर में भी एंडिंग ऐसे ही थी ना, कि मैं उम्मीद थी, मुझे एक किस्म की उम्मीद थी कि शायद वो ऐसा कि इनके जो करेक्टर में था कि वो बच जाएगा, अब उसने गुनाह भी बहुत किए थे, किए तो सही थे, लेकिन ये थोड़ा उधर बेगुनाह लोगों को भी उसके बिल्डिंग मारना शुरू कर दिया, लेकिन इधर तो कोई रिवेंज नहीं था, लेकिन एंड में जिस तरह से वो मरा ना,
मर गया, किस्सा उसके साथ ही खत्म हो गया, उसने जो गुनाह किया वो अपने साथ ही लेके मर गया और बुरा हाल होता उसका। तो ये चीज जो है मुझे वो लग रही है कि बुरा हाल क्या हो सकता था प्रेम के लिए, क्या लग रहा है मुझे मतलब एंडिंग के हिसाब से लग रहा है कि जिसने गुनाह किया उसको उसने मरना ही है। ये तो है हाँ, भी गुनाहों की सजा हो जाती है। सो ओवरऑल मूवी ये जो है ना अच्छी लगी देख के, न्यू था हमारे लिए कुछ बाजीगर देखा था ऐसे सीन, लेकिन ये उससे दो गुना बढ़िया थे। स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, काफी बढ़िया थी। हाँ सॉन्ग मैं कह सकता हूँ कि इतनी ज्यादा वो अच्छे नहीं आए, कोई एक आधा सॉन्ग था जो सही हो दीवाना दीवाना और एक पहले आया सॉन्ग वो सॉन्ग ही आपने मतलब सही लगे, बाकी मूवी की स्टोरी काफी जबरदस्त थी। एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टिंग काफी अच्छी थी, विलन के रोल में थे ये शहबाज खान। वो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी जो ड्रामे मतलब रोल हमने देखे हैं सर जो प्ले करती है, लेकिन जिस तरह का वो एक नजराने वाला एकदम रियलिस्टिक लगता है ना जूही चावला का वो एकदम रुकना, एक दफा वो डर मूवी भी ऐसे वो काम करते हैं उनको देख के बंदा डर जाए कि क्या ऐसे बुला लेती हैं और ऐसे ऐसे करने लग जाती है फेस पे ऐसे बंदे को वाकई में डर लगता है उनकी एक्टिंग इसी में काफी जबरदस्त है। तो ओवरऑल मूवी जो है ना देख के अच्छा लगा, हमने मिस की हुई थी मूवी तो काफी मतलब हाँ लगा कि मैं देखने भी चाहिए थी हाँ, लेकिन ये है कि बार बार ऐसी मूवी नहीं देखनी चाहिए, ज्यादा ही कुछ ओवर हो गया इसमें तो फूल हाँ। खराब था तो एक बार बंदा देखे रहे चलो भाई बाद में तो नहीं देखे काफी ज्यादा। तो आपको कैसा लगा हमारे साथ ये वाला मूवी देखकर बताइए कमेंट सेक्शन में, वैसे जो मूवी न्यू से बना ओल्ड न्यू मतलब नहीं मतलब नेक्स्ट मतलब अपकमिंग अपकमिंग तो हमारे चैनल के लिए हमारे व्यूअर के लिए हमारे तरफ से तो न्यू हो जाएगी ना, ओल्ड तो वैसे हम देखते हैं ओल्ड हमारे लिए ओल्ड होती है जिसपे हम रिएक्ट कर लेते हैं और जो रिएक्ट करने के लिए बची होती है वो हमारे लिए न्यू है क्योंकि हमने नहीं देखी, अब ये हमारे वेरी न्यू थी क्योंकि हमने कभी नहीं देखी। सो हम कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत न्यू मूवी भी इंक्लूड करें, कुछ व्यूअर प्यारे प्यारे आ जाते हैं फिर रिक्वेस्ट करेंगे ये तो हमें ये लानी पड़ती है, मतलब कोशिश कर गई है बहुत बार की न्यू मूवीज लानी की कोशिश करें, बट आप लोगों का ऐसा है कि मतलब बोलते हैं कि हाँ भाई क्या करें आपकी ये चल रही है भाई आप देवर की चल रही है आपकी तरफ से भी जैसे आप चाहते हैं हम ऐसी मूवीज लेके आते हैं। देखे सारे जो चैनल्स हैं रिएक्शन वो अपनी तरफ से मूवीज काफ़ी ज़्यादा लेके आ रही थी, हम लोगों ने कोशिश ये होती है मोस्टली हमने उससे पता नहीं कितनी मूवीज होंगी जिनमें से हमने कोई अपनी तरफ से मूवी की वो मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई चैनल के ऊपर एक दो मूवीज ही नहीं होंगी जो हमने खुद से हमने चाव की ये मूवी लेके आए वो भी बड़ी मुश्किल से, बाकी ज़्यादा मूवी आपकी डिमांड की होती है। सो यस आपने जो है सजेशन देते रहा करें, हम कोशिश करते हैं जो आपकी सजेशन है एक टाइम पर मतलब कभी किसी की पूरी हो जाती है कभी किसी की पूरी हो जाती है वो हर किसी का नंबर लगता है हर किसी का नंबर यहाँ बारी बारी से आपकी बारी आएगी इसलिए परेशान नहीं होना, आप लोग कमेंट करते हो हम लोग लिस्ट में ऐड कर देते हैं कि ये मूवी हमने करनी है ठीक है, जो मतलब सूटेबल लगती है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हम ग्राउंड से गाइड कर लेते हैं, जो नहीं होती जिस जिस टाइप और टाइप के कुछ हथात होते हैं तो उनको हम स्किप कर लेते हैं सीधी बात है। सो मिलते हैं फिर ऐसी किसी न्यू मूवी के साथ, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल।